आप सभी का स्वागत है। कल 5 राज्यों के चुनाव में से 2 राज्यों में प्रथम चरण का मतदान समाप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ओर से, दोनों राज्यों की प्रथम चरण में मतदान जो हुआ है, इसलिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ में भारी मात्रा में मतदान कर उन्होंने इस चुनाव में हमारे लिए शुभ संकेत दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 84% से ज़्यादा मतदान और आसाम में 79% से ज़्यादा मतदान, ये मतदाताओं का भारी उत्साह बताता है। ये दोनों राज्य, आसाम कुछ सालों पहले और बंगाल इस चुनाव के पहले, हर चुनाव में चुनावी हिंसा के लिए जाने माने वाले राज्य हैं। दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में आने वाले दिनों के लिए दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत। मित्रों, दोनों राज्यों के कार्यकर्ता, हमारे जो फील्ड में बूथ तक के पार्टी के प्रचार करने वाले प्रमुख लोग हैं और जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद, मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। असम के अंदर आतंकवाद मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, इसके पक्ष में साफ मैंडेट दिखाई पड़ता है। और असम के अंदर इसके साथ साथ बाढ़ मुक्त असम के भारतीय जनता पार्टी के वादे को भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असम के अंदर जो विकास हुआ है, वहां की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास असम के अंदर किया है, इसको बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। डबल इंजन सरकार का कंसेप्ट असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी के आचरण से समझ में आया है और ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 से ज्यादा ब्रिज बनना, इसकी शुरुआत होना, 20,000 किलोमीटर से बड़ा रोडों का जाला बुन लेना, काजीरंगा के जंगलों की जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराना, श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव के सत्र की जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराना, ढेर सारे विकास के काम जिसका एक सकारात्मक झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पष्ट नजर आता है। और हमारे गठबंधन की 37 सीटें से कम नहीं होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी ओर
बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर जिस प्रकार का तुष्टिकरण का माहौल था, जिस प्रकार से बेरोक टोक घुसपैठियों का घुसना चालू रहा, जिस प्रकार से पूरा बंगाल जनकल्याण के पैसे सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ रिहैबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, जिस प्रकार से अव्यवस्था और अफरा तफरी देखी गई, और औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, ये सब में घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई है। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। और उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो सोनार बांग्ला का एक विजन दिया है, हमने बंगाल की जनता के मन में एक आशा की जोत जगाने में हम सफल रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल भी सुजलाम सुफलाम हो सकता है, बंगाल भी विकसित हो सकता है, बंगाल के अंदर भी शांति हो सकती है, बंगाल के अंदर भी तुष्टिकरण से बगैर संविधान की योजना के तहत कोई सरकार चल सकती है, बंगाल के अंदर भी धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के लोगों को मिल सकती है। ये सारे मुद्दों को बंगाल की जनता ने मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम और अमित आशा के साथ स्वीकारा है। जो कार्यकर्ता चुनाव के फील्ड में थे, सुबह सुबह थोड़ी दहशत थी कि हर बार की तरह गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे, प्रदूषित करेंगे, परंतु मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली है। आप सभी लोग भी जानते हैं विगत कई सालों से बंगाल के अंदर चुनाव में हिंसा आम हो गई थी, आप लोगों ने उसको कवर करना भी छोड़ दिया था क्योंकि आप समझते थे वो तो होना ही है। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रीपोलिंग होए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछ सकते हैं आप। તો અમિત શાહની પ્રેસ કોન્ફરન્સ શાંતિપૂર્ણ મતદાન થયું છે પશ્ચિમ બંગાળમાં, તેના માટે ચૂંટણી પંચનો પણ તેમણે આભાર માન્યો છે। 200થી વધુ બેઠકો મેળવશે ભાજપ, તેવો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો છે। આ પહેલી એવી ચૂંટણી છે, તેમણે કહ્યું છે કે કોઈ પણ ખૂન ખરાબા વગર થઈ છે, શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં થઈ છે, સુરક્ષા પણ જળવાઈ છે।